तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है आपका। और इस सेशन में जो हम लोग कर रहे हैं, जो बजट 2023 फाइनेंस बिल 2023 में जो जीएसटी अमेंडमेंट्स आए हैं, उसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया आपको कि हम लोग उसके लॉजिक के पीछे जाएंगे, ये अमेंडमेंट क्यों किया गया और वो अमेंडमेंट किस तरह से हमारे क्लाइंट्स को अफेक्ट करेगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो लोग भी नए हैं और जो पुराने हैं, वो जानते हैं कि वी डू इंटरेक्टिव सेशन, तो हम लोग सवाल जवाब करेंगे। आप अपना ओपिनियन जैसे मैं बता रहा हूँ उसके बीच में भी आप दे सकते हैं, वी वेलकम दैट। तो उससे क्या होगा कि डिस्कशन रिच हो जाएगा और एक नई बात निकल के आएगी। अगर मैं वन वे करूंगा तो कुछ नया नहीं आएगा, जो मेरे मन में जो थॉट है सिर्फ मैं वही बता पाऊंगा। तो आपका इनपुट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू गिव योर इनपुट्स। तो हमने क्या किया, एक बुकलेट बनाया हुआ है जो हमने कल पूरा प्रिपेयर किया इसको। इसमें 15 अमेंडमेंट्स थे सीजीएसटी एक्ट में और दो अमेंडमेंट थे आईजीएसटी एक्ट। इसमें से कुछ अमेंडमेंट्स टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड, उसका डेट नहीं पता, लेकिन कुछ अमेंडमेंट के डेट हमें पता है तो हम लोग बता दें। जैसे अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 10 जो कंपोजिशन लेवाई का है, आपको याद होगा प्रेस रिलीज में एक बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है पेपर ऊपर की, उसको अगर आप म्यूट कर लें एक बार। चलिए, तो कंपोजिशन लेवाई प्रेस रिलीज में आया था, इट विल बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। इनको कंपोजिशन लेवाई वाले को गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचना अलाउड करेंगे, लेकिन पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपना सिस्टम वैसा बनाना पड़ेगा ताकि कंपोजिशन लेवाई वाले जब उनके प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करें तो इंटर स्टेट सप्लाई ना कर पाए, सिर्फ इंट्रा कर पाए। तो इसीलिए 1/10/2023 उस प्रेस रिलीज से आ रहा है। उसके बाद सेक्शन 16 आईटीसी का है, टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड। 17 भी आईटीसी का है, टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड। ये सेक्शन 23 है जो रजिस्ट्रेशन का है, जहां पर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी, मतलब मान लीजिए एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया गया 1 जुलाई 2017 से। और मोटा मोटा ये कहा गया कि इवन इफ सेक्शन 24 इज एप्लीकेबल, देन ऑल्सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू योर सेल्फ टू गेट रजिस्टर्ड। तो हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे इसका। और ये 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव है, ये फाइनेंस बिल 2023 में ही लिखा हुआ है। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 37 जीएसटीआर 1, फिर 39, ये 50 और ये 4, इसमें लिख दिया कि 3 साल बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 54 रिफंड, 56 रिफंड, 122 बेसिकली इंटरेस्ट ऑन रिफंड है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, और 122 पेनल्टी, 132 प्रोसिक्यूशन, 138 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस एंड 158A नया इंसर्शन है, बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये सब टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड, तो एक नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता लगेगा। इसके बाद एक शेड्यूल 3 में जो कोई एक अमेंडमेंट आई थी पैराग्राफ 7 और 8, बॉन्डेड वेयर हाउस हाई सी सेल्स के बारे में, जिसको इफेक्टिव किया गया था 1 फरवरी 2019 में, अब उसको इफेक्टिव कर दिया गया है 1 जुलाई 2017 को, तो नोटिफिकेशन आके ही इफेक्टिव होगा। फिर 2 अमेंडमेंट्स इन आईजीएसटी एक्ट, इसका ये क्लॉजेस हमने गलत लिख दिया इसको, तो ये आएगा 143 144। आप लोग वीडियो बंद कर सकते हैं, विलाला हम लोग बताएंगे कब वीडियो ऑफ ऑन करना है। तो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2 सेक्शन सब सेक्शन 13 NTOR नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट और OIDR टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड, प्लेस ऑफ सप्लाई का टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड, तो हम इसका बताएंगे कब ये पॉसिबल है। अब आगे आते हैं, अब हम लोग अमेंडमेंट करना शुरू करते हैं। जो सेक्शन, अच्छा कंपोजिशन लेवाई में क्या अब वी आर डूइंग अमेंडमेंट एंड आई इनवाइट यू टू पार्टिसिपेट आल्सो, तो आप अनम्यूट करके पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। मुझे सबसे पहले बताइए जो जो कंपोजिशन लेवाई में कौन कौन जा सकता है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस, तीनों जा सकते हैं? यस, मैन्युफैक्चरर जा सकता है, यस सर, एक्सेप्शन है। यस
एक्सेप्शन सर आइसक्रीम वाला सर हाँ और ट्रेडर जा सकता है सारा ट्रेडर एक्सेप्शन नो नो ब्रिक्स टेबको ये सब में एक्सेप्शन नहीं है सर ब्रिक्स वाले नहीं जा सकते हाँ ब्रिक्स वाले में भी है तो कुछ एक्सेप्शन यहाँ भी है ठीक है सर्विस इंडस्ट्री बट सर ब्रिक्स वाले पे तो 6% दिया है ना कंपोजिशन सर रेगुलर कर दिया है हाँ ब्रिक्स वाले पे कंपोजिशन है लेकिन वो कंपोजिशन के कारण नहीं है संजय जी बट इज नॉट बिकॉज ऑफ सेक्शन 10 बिकॉज ऑफ रेट नोटिफिकेशन उनको स्पेशल कंपोजिशन स्कीम बोलता है वो लोग स्पेशल को उनको रेगुलर में ले जाने का है लेकिन सेक्शन 10 इफेक्टिव नहीं है उसको ब्रिक्स वाले नॉट बिकॉज ऑफ हाँ बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन सर्विस वाले बताइए सर सर्विस में केवल रेस्टोरेंट सर्विसेज को ही दिया है रेस्टोरेंट पे दिया है और अदर सर्विसेज वाले जा सकते हैं नहीं जा सकते ना 10 to 8 एक पार्ट के लिए 50 lakhs तक के लिए 50 lakh के लिए मतलब जा सकते हैं ना रेस्टोरेंट वाले के लिए 1.5 crore है तो अब 10-1 में मैन्युफैक्चरर ट्रेडर और रेस्टोरेंट ठीक है हेलो देखिए बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है तो प्लीज अपना म्यूट कर लीजिएगा तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में मैन्युफैक्चरर ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट 10-2A में अदर सर्विस प्रोवाइडर ठीक बात है अब इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं जैसे जो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर और रेस्टोरेंट वाले हैं उनको 10-2A में रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है और वो रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते ठीक बात है आप लोगों को याद होगा हमने जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स जब पढ़ रहे थे तो सेंटर ये चाहता था कि कंपोजिशन वाले को भी इंटरस्टेट अलाउ कर दिया जाए ठीक बात yes. स्टेट वाले नहीं मान रहे थे yes, मैं बता रहा हूं कि हो सकता आने वाले एक साल में जब रेवेन्यू रोबस्ट हो जाएगी तो ये कंडीशन भी खत्म हो जाएगी yes. जब ये कंडीशन खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली दे विल बी हैविंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड दे कैन कम्पीट विद अदर्स ऑल्सो तो ये आने वाले समय में ये होगा जरूर होगा बिकॉज स्टेट्स वर सेइंग विल लूज रेवेन्यू पर ज्यादा रेवेन्यू लूज नहीं कर रहे थे सम स्टेट विल लूज रेवेन्यू सम स्टेट विल गेन रेवेन्यू अल्टीमेटली बैलेंस विल हैपन अब कंपोजिशन लेवाई वाले अब उन्होंने कहा कि हम आपको गुड्स बेचना अलाउ करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ठीक बात है अब लेकिन सर्विसेस वो अभी भी नहीं बेच सकते सर्विसेस में अभी भी रिस्ट्रिक्शन है कंपोजिशन वाले को तो दे आर अलाउड गुड्स अब ई कॉमर्स ऑपरेटर में गुड्स वो तभी और इफेक्टिव डेट मैंने कब क्या बताया आपको इसका एक अक्टूबर 2023 से जी तब तक ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले अपना सिस्टम को ठीक कर लेंगे अब ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले करना क्या करेंगे कि हो जाएगा देखिए मान लीजिए कोई कंपोजिशन वाला दिल्ली का है वो अमेजन में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाता है तो जब वो कंपोजिशन वाला अमेजन को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देगा तो अमेजन वाला पिक कर लेगा कि ये दिल्ली का रजिस्टर्ड है पर्सन है ठीक बात है अब अमेजन वाला क्या करेगा कि अब वो ये भी पिक कर लेगा बैकएंड से कि ये कंपोजिशन लेवाई वाला है अब इसको इसको अपने सिस्टम में क्या करना पड़ेगा इस अमेजन में क्योंकि मैं अमेजन में एक सेलर भी हूं तो मुझे पता है अमेजन वाला क्या करता है कि आप है ना जिस किसी पिन कोड में सर्विस नहीं करना चाहते हैं वो पिन कोड हमें दे दीजिए तो मान लीजिए मैंने एक पिन कोड दे दिया जो अरुणाचल प्रदेश का इंटीरियर है वहां मैं सर्विस नहीं कर सकता अब अरुणाचल प्रदेश वाला जब वो हमारे प्रोडक्ट में जाता है और अपना पिन कोड डालता है तो वो नॉन सर्विसेबल एरिया लिख देगा ठीक अब अमेजन को क्या करना होगा कि जैसे उसका दिल्ली वाला आया ये क्या करेगा दिल्ली के सारे पिन कोड इसके लिए अलाउ कर देगा बाकी डिसअलाउ कर देगा ब्लॉक कर देगा तो 1-1 दिल्ली का पिन कोड है यहां से शुरू हो रहा है तो जो भी इफेक्टिव पिन कोड है दिल्ली का वो अलाउ कर देगा बाकी को डिसअलाउ कर देगा तो ऑब्वियसली इसको सिस्टम में चेंजेस करने पड़ेंगे तो वो चेंजेस के लिए ही 1 अक्टूबर 2023 है इसके बाद 10-2A में कौन जा सकता है अच्छा एक बात बताइए पहले
ये जो मैन्युफैक्चरर वाला है, ये जो कंपोजिशन लेवाई जो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर वाले हैं, क्या ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ या ना? कर सकते हैं सर, 20% कर सकते हैं सर, 5% एक लिमिट है ना, 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, यस सर, उसमें वो कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, 10-2A में कौन जा सकता है? देखिए 10-2A में जो वही जा सकता है हु सैटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ 10-2A एंड डू नॉट सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 10-1, करेक्ट? इसका मतलब ये हो गया कि इफ समवन इज सेलिंग गुड्स और उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मान लीजिए वो 6 लाख करने लगता है, तो ये सर्विस ज्यादा हो गया। जब सर्विस ज्यादा हो गया, अब उसके पास कौन सा ऑप्शन बचा? 10-2A में आ सकता है, नहीं आ सकता? यस, प्रोवाइडेड हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डू नॉट एक्सीड रुपीज 50 लाख। तो मैंने क्या कहा, 10-2A के कंडीशन को सेटिस्फाई करे और 10-1 के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तभी वो 10-2A में आ सकता है, ठीक बात है? जी, okay. अब मुझे एक बात बताइए, 10-2A वाला गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों कर रहा होगा या सिर्फ सर्विसेज भी कर रहा होगा? पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल सर, पॉसिबल है। तो अब इसको भी कहा कि अगर आप गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों कर रहे हैं तो आप गुड्स बेच सकते हैं, तो यहां भी गुड्स हटाया गया है, यहां भी गुड्स हटाया गया, तो दे कैन ऑल्सो सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर व्हाट गुड्स। क्लैरिटी है? देखिए क्लॉज डी, ये मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल का कमेंट हमने यही डाल दिया, ये बुकलेट हम आप masterlearnings.com में अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आई विल शेयर इन द ग्रुप्स ऑल्सो। तो अभी नहीं, मुझे लगता है दोपहर तक मैं शेयर कर दूंगा। क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 2 एंड क्लॉज सी ऑफ 10-2A इन सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट is being amended so as to remove the restrictions imposed on registered person engaged in supplying goods through electronic commerce operator from opting to pay tax under composition levy. अब मेरे को एक बात बताइए आप, मैं जब ये पढ़ रहा था तो ये essentially services के लिए है? Yes sir. Yes. तो क्या मैं services को e-commerce operator के through नहीं बेच सकता? If I want to sell my services, suppose I am running classes in and I sell GST courses and I want to sell through GST e-commerce operator and I am in composition levy. मैं अर्बन क्लब में तो जा नहीं सकता, 9-5 के किसी में भी नहीं जा सकता, ना मैं होटल हूं, है ना? But I am in service industry. एक लोकल एरिया में एक ब्यूटी पार्लर चला रहा हूं और मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, एक लोकल ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो, अच्छा ब्यूटी पार्लर तो अर्बन क्लब में है ही नहीं, वो नहीं, वो एग्जांपल जीएसटी कोर्सेज का एग्जांपल दे रहा है, कैन आई सेल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर? नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट ये सर्विसेज आज भी है रिस्ट्रिक्शन में जी, है ना? तो जो मैं पढ़ रहा था देन आई थॉट कि मे बी सर्विसेज अलाउ करते ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहे। तो यहां पर गुड्स और सर्विसेज दोनों हटा देते हैं क्योंकि एसेंशियली 10-2A किसके लिए है? सर्विसेज वालों के लिए है ना? हेलो, यस सर, एसेंशियली 10-2A किसके लिए? सर्विसेज वाले के लिए। खैर इन्हें नहीं केस जो अभी तो फाइनेंस बिल में तो यही है, लेकिन आने वाले समय में हमने बता ही दिया। इसमें किसी का कोई इनपुट है तो बताइए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा एक बात और बताइए, सपोज आई एम सेलिंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अब आपके पास जो क्लाइंट हैं दे वांट टू मूव थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो एडवाइस क्या रहेगा? उनको कहें कि यू लिस्ट योर प्रोडक्ट्स इन अमेजन और फ्लिपकार्ट। दूसरा, जैसे वो लिस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स अमेजन या फ्लिपकार्ट में, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर TCS कलेक्ट करना शुरू कर देगा? Yes or no? Yes. TCS is applicable only for registered.
यस टेल मी रजिस्टर्ड के लिए सर अगर कंपोजिशन लेवल वाले रजिस्टर हां कंपोजिशन लेवल भी तो रजिस्टर्ड पे वो सर ठीक से पर टीसीएस कटेंगे टीसीएस कलेक्ट करेंगे अब जब टीसीएस कलेक्ट करेंगे तो इसका क्रेडिट कंपोजिशन लेवल को मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं मिलना चाहिए वो कैश लेजर से होता है और उसको आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकता है गवर्नमेंट टीडीएस काटती है तो ये सेक्शन 51 में ई-कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस तो सेल बिल बनाएगा कंपोजिशन सप्लायर सेल बिल पेमेंट करेगा अपना ई-कॉमर्स ऑपरेटर जिनेश जी हम लोग बाद में उसमें जाएंगे तो टीसीएस डिस्कस करने लग जाएंगे बाद में करेंगे है ना तो इसको भी छोड़ते हैं हम लोग तो लेकिन ये क्लैरिटी है आपको तो दिस और कोई इनपुट और कुछ आप किसी और सेक्शन के साथ कनेक्ट हो रहा हो ये अफेक्ट कर रहा हो ये तो बता दीजिए अभी नहीं सर ये तो काफी ये तो ही है और कहीं अफेक्ट तो नहीं कर रहा बिल्कुल नहीं सर चल अच्छा एक बात बताइए ये समझिए इस चीज को मान लीजिए कंपोजिशन लिवाई वाला अमेजन में या फ्लिपकार्ट में और आप देखिए सिर्फ अमेजन फ्लिपकार्ट इज द टू बिग कंपनीज ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर लेकिन ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर स्टार्ट हो गए हैं जो छोटे हैं और उन्होंने कंपोजिशन लिवाई को अपने पास ऑनबोर्ड कर लिया बिना सिस्टम को डेवलप किए हुए तो बताइए ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर कोई लायबिलिटी बनेगी अब होगा क्या देखिए मैं आपको बताता हूं मान लीजिए मीशो जो गारमेंट्स बेचती है किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक कंपोजिशन लिवाई जिसको जीएसटी के बारे में नहीं पता मान लीजिए मीशो ने डेवलप प्लीज म्यूट कर लीजिए कोलकाता जी से बस तो कंपोजिशन लिवाई इस ई कॉमर्स ऑपरेटर में ऑनबोर्ड हो गया एंड दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर ने बाकी पिन कोड को डिसेबल नहीं किया एंड इट सप्लाइड इन सब गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर और बेसिकली इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया बताइए किसके ऊपर लायबिलिटी आएगी सर ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास ई कॉमर्स ऑपरेटर के पेनल्टी आएगी E-commerce operator के 121(1)(b) introduce किया गया सर yes. पहले composition लेवाई के ऊपर पेनल्टी आएगी या नहीं आएगी composition लेवाई के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा ये बता दीजिए सर आएगा क्योंकि उसने उसने बिलिंग तो कर ही दिया हाँ मतलब सप्लाई कर दिया कंप्लीटेड yes. बताइए क्या होगा वो बहुत सारे हैं तो बहुत सारे हैं उसे जनरल क्लॉज 122 में पेनलाइज किया जाएगा नहीं नहीं आप पहले इसको नॉर्मल टैक्स पेयर में आना पड़ेगा यस नॉर्मल टैक्स में आएगा सेक्शन 24 इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो कंपोजिशन से नॉर्मल में आना पड़ेगा और जितने भी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई फुलफिल करना पड़ेगा तभी तो नॉर्मल टैक्स पेयर में आएगा इसके स्टॉक के बेसिस पे वो क्रेडिट मिल जाएगा आईटीसी का फॉर्म फाइल करना पड़ेगा मतलब वो सारे कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करेगा ठीक है प्लस 122 में पेनल्टी के प्रोविजंस आएंगे भले पेनल्टी कम लगे लेकिन पेनल्टी का प्रोविजन आएगा वो हो सकता है पेनल्टी नहीं लगाया ऑफिसर और ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर 122(1)(b) इंसर्टेड है वो आएगा ठीक बात है तो हम लोग 122(1)(b) आने वाले समय अभी करेंगे एक एक करके अब एक चैट में क्या आया है वो पढ़ लेते हैं हम लोग When e-commerce operator collect tax, it will amount to composition dealer collecting tax. Yes, yes, CS Raj Ramchandra ji. Thank you so much. Correct. और कोई और कुछ इसमें possibility? Sir, sir, मेरा ये पूछना है कि sir by default ये तो आपका हो गया इस तो opt किया composition level.
बाई मिस्टेक हो गया, यदि जो छोटे डीलर है जिन्हें आइडिया नहीं है उनसे बाई मिस्टेक हो गया, यदि मीशो जैसे पोर्टल ने अलाउ कर दिया और उन्होंने सप्लाई कर दी उस कंडीशन में, क्योंकि वो फिर भी रहना ही चाहता है कंपोजिशन में, उसको जनरल रेगुलर में नहीं आना चाहता है, उस कंडीशन में क्या होगा? नेक्स्ट ईयर करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर आ पाएगा। एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर आ पाएगा। ठीक बात, थैंक यू संजय जी। चलो प्रोविजो टू सेक्शन 16, ये क्या कहता है देखिए। अच्छा 180 डेज का कंडीशन, सप्लायर रिसिपिएंट रिसिपिएंट विल पे विद इन 180 डेज ऑफ इनवॉइस फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इसमें भी डिस्प्यूट है, लेकिन उसको भी छोड़ते हैं। 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, और नहीं पे करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। जब पे करेगा तो रिक्लेम आईटीसी मिल जाएगा, रिक्लेम कर लेगा। और 3B में ये कहां दिखलाएगा? अदर्स वाले कॉलम में सर, जहां पर टेम्पररी रिवर्सल है, एक परमानेंट रिवर्सल है, एक टेम्पररी रिवर्सल है, वो रिक्लेम करेगा। अगर उसने रिवर्स टाइमली नहीं किया तो विद इंटरेस्ट ही टू पे, विद इंटरेस्ट पे कर, विद इंटरेस्ट उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और ये खुद से तो रिवर्स करेगा नहीं, ऑफिसर का नोटिस आएगा तभी पता लगेगा, या ऑडिट में ही पता लगता है, वैसे वो खुद नहीं करता है। ठीक बात है जी। सर अगर वो मान लीजिए हमने अपने पास आईटीसी नहीं है, आईटीसी बैलेंस नहीं है और रिवर्स करना है, तो आउटपुट टैक्स में ऐड करेगा, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट किया गया है उसको थोड़ा समझना है बस। ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो ये समझ में आ गया, और आईटीसी नहीं है तो रिवर्स कैसे करेगा? तो ऑब्वियसली आउटपुट टैक्स में ऐड करना पड़ेगा। अब अमेंडमेंट पढ़ते हैं। Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both. अच्छा इसका इसके इससे रिलेटेड रूल्स कौन सा है? 37 रूल 37। So provided further that when recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both other than the supply on which tax is paid on reverse charge basis. देखो कोई पेज उल्टा रहा बहुत जोर से, तो जिसके कारण डिस्टर्बेंस हो रही है। तो other than the supply on which tax is payable on reverse charge basis, तो इसको एप्लीकेबल नहीं है। The amount towards the value of supply along with tax payable thereon, यानी कि मान लीजिए 100 plus 18 है, तो इसको टोटल कितना पेमेंट करना है? 118 within a period of 180 days from the date of issue invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be paid by him along with interest payable under section 50 in such manner as may be prescribed. Prescribe में कहाँ जा रहे हैं हम लोग? Rule 37. अब देखिए ये अब पहले लिखा था added to his output tax liability along with interest thereon. तो ये इंटरेस्ट के ये आईटीसी के रिवर्सल की बात नहीं करता था। ठीक बात है। yes. अब ये कह रहा है पेड बाय हिम, पे कैसे करेगा? जिन्हें जी पे कैसे करेगा? इधर थ्रू रिवर्सल और थ्रू बाय एडिंग इनटू द आउटपुट टैक्स। दो ही तरीका है ना, तो उन्होंने वो लिखा ही नहीं है। तो ये जो added to his output tax liability हटा दिया, बोला सर आप reversal भी कर सकते हैं जब ये लिख रहे हैं। clear sir, clear। अच्छा क्या पहले जब 1, 2, 3 था तो क्या portal identify कर पाता कि उसने pay किया या नहीं किया? No. नहीं, portal identify नहीं कर पाता। नहीं, आज भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो ये तो सेल्फ असेसमेंट का हिस्सा होगा, याद रखिएगा। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द रिसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल ऑफ द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन पेमेंट मेड बाय हिम टू द सप्लायर। तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि किसको पेमेंट करेगा। नाउ दे आर राइटिंग द पेमेंट शुड बी मेड टू द सप्लायर of the amount towards the value of goods along with tax payable thereon. इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, why they are adding this? मुझे एक बात बताइए, आप समझिए। supplier, ये recipient, इसको इसने उधार बेचा था, credit sale,
अब सप्लायर ने कहा ये मेरे बैंक में, मतलब किसी और पार्टी को, पार्टी वन को, इसको पेमेंट कर दो, और मैंने पेमेंट कर दिया। बताइए, एडजस्टमेंट तो नहीं चलेगा सर नहीं। इसमें एक चीज बताइए सर, ये जो मैं उसमें ये कर सकता हूँ ना ऑन द बिहाफ ऑफ क्रेडिट, तो मैं उस अपनी सप्लायर के अकाउंट को ही तो क्रेडिट करूंगा सर उस अमाउंट से, इवन पेमेंट मैं कहीं भी करूँ, कर सकता हूँ नहीं 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 फिर से कहिए नहीं होगा नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं सर? मेरा ये कहना है कि सपोज डेट ए मेरा सप्लायर है, बी मैं रेसिपेंट हूँ, ए मुझे कहता है कि जो पेमेंट आपने मुझे करना है वो सी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ वही 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 एग्जांपल दिया, ठीक है ठीक है। तो सर मैंने सी को अमाउंट किया तो सी सी से मेरी डायरेक्ट तो कुछ कनेक्शन है नहीं, सी और ए का इंटर कनेक्शन है, ठीक है। सपोज दैट ए को सी को पेमेंट करना था, वो मेरे थ्रू करा था और मुझे ए को करना था, ठीक बात। तो मैंने सी को पेमेंट कर दिया और एडजस्टमेंट एंट्री में अपने अंदर नरेशन में मैं अपने एंटर कर दूंगा कि ए को पेमेंट है, ठीक बात है। तो ए को गया ना सर। हाँ वही पॉइंट पूछ रहा हूँ संजय जी, वही पॉइंट पूछ रहा हूँ संजय जी, जब वो यहाँ ऐड कर रहे हैं मेड टू द सप्लायर, कैन आई नॉट मेड ए पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर टू समवन? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भी क्या मेरा रिवर्सल होगा? नहीं होगा सर, मैंने तो पेमेंट कर दिया ना सर उस चीज के लिए, मेरे मेरे सर नहीं होगा सप्लायर तो जी। अरे इसमें इनकम टैक्स, सर इसमें इनकम टैक्स में 269 SS जो है वो क्लियर करता है कि नहीं पार्टी को ही जाना चाहिए। सर बताता हूँ मैं, ये तो लोन से डिपॉजिट के लिए सर, नहीं नहीं दैट इज एप्लीकेबल फॉर लोन्स एंड डिपॉजिट्स, ठीक है। हां इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्रेडिटर्स, ये तो क्रेडिटर्स में चला जाएगा। यस यस अरुण जी आपका कोई इनपुट? एडजस्टमेंट जो है ना ये नहीं चलेगा ऐसा उन्होंने इंडिकेशन दिया है, ऐसा लग रहा है। तो इंडिकेशन बढ़ाएगा ये, पर इसमें गलत क्या है जिनेश सर? अगर ऐसा पेमेंट किया है तो इसमें गलत क्या है? देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं लोग, एडजस्टमेंट कर लेते हैं और वो जिसको पेमेंट कर दिया 180 days में अंडर दैट गार्ड ही कैन डू दैट ट्रांजेक्शन, वो बताएंगे मैंने वो एक जिसका 180 days क्रॉस हो चुका है, फिर मान लीजिए पेमेंट देना था एक्स को और 180 days चले गए, वाई को पेमेंट करके रखा है बुक्स में, तो वो बोल सकते डिपॉजिट बोल सकते वाई, हमने तो वाई को पेमेंट किया। चलिए मैं आपको एक रूल ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, अरे आप लोगों के पास ये किताब है जिनके पास सर, मगर वाई को तो सेंटर कनेक्ट करना पड़ेगा ना सर। देखिए मेरी बात, वो वहां पे बात कर लेते हैं सबके लिए तो होते हैं ना। एक मिनट जी जी रुकिए, रूल 37 निकालिए एक बार, मैंने यहाँ पर पुट नहीं किया है, आपके पास एक किताब है, किताब नहीं है तो आपके पास कोई भी किताब हो रूल 37 निकालिए। मैं किताब में रूल 37 183 में मैं पढ़ता हूँ, रूल 37 पेज 183 जहां पर एक अमेंडमेंट और भी आई थी प्रोपोर्शनेट अमाउंट, उसका एक पढ़िए सेकंड प्रोविजो रूल 37 सब रूल 1 का सेकंड प्रोविजो मैं पढ़ता हूँ। Provided further that the value of supplies on account of any amount added in accordance with the provisions of section 15 subsection 2 clause B shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to section 16 subsection 2. नहीं ये नहीं, ये नहीं, हाँ ठीक है यही वाला। Provided that the value of supply is made, मैं एक बार रूल निकालता हूँ क्या, रूल 37 आपके साथ निकालता हूँ किताब में और then we can discuss. कंप्लायंस बर्डन बहुत बढ़ा देगा ऐसे 183 सेकेंड प्रोविजो फेल्स टू पे टू द सप्लायर हेंस टू अलाइन द सेकेंड प्रोविजो पेड टू सप्लायर इज मेड इन द अमेंडमेंट। सीए सिराज रामचंद्र, यस यस टेल मी।
सर इसमें गलत क्या था, मैं समझना चाह रहा था, अपन इतना डिस्कशन कर रहे हैं, गलत हमने कर दिया। देखिए एक बात समझिए कि बिजनेस में आमतौर पर होता है ना कि सप्लायर ने कहा उसको पेमेंट कर दो, हमने उसको पेमेंट कर दिया। छोटे शहरों में सर ये तो आम बात है सर, यहाँ का पेमेंट वहाँ कर देना, वहाँ पे हाँ ये आम का बात है। तो फिर रोक क्यों रहे हैं? मुझे तो स्ट्राइक हुआ है अभी, ये है कि सप्लायर ए और सप्लायर बी है हमारे बुक्स में, क्लाइंट बुक में, और ए का पेमेंट करना था और 180 दिन चला गया। एक बार फिर से बोलिए, ए और बी है, ए बी सी सप्लायर्स है जिसको पेमेंट करना है अपने को 180 डेज के अंदर। हमारे बुक्स के अंदर ए बी सी का तीनों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अच्छा, हमने सी को 180 दिन चला गया है और ए और बी को पेमेंट 180 दिन के अंदर दे दिया है पेमेंट। अब जो क्या है, सी जो जो जी है उसको 180 दिन चला गया है, तो कोई एकोमोडेट कर सकते हैं इसको? हमने सी को पेमेंट जो करना था वो बी को कर दिया है, और बी का जो है उसका टाइम लिमिट 180 डेज क्रॉस नहीं हुआ है। सुनिए ना एक बार चैट में देखिए, चैट में सी ए श्री रामचंद्र जी क्या है। अच्छा पहले रूल 37 पढ़ते हैं फिर सिराज जी का चैट पढ़ते हैं। इसके लिए सर विदाउट कंसिडरेशन वाला तो मान लिया जाएगा डीम्ड पेमेंट है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ एनी अमाउंट एडेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2B any amount which supplier is liable to pay but the recipient pays it shall be deemed to have been paid for the purposes of second proviso to section 16 subsection 2। ab dekhiye ye hai kya, main aapko bata deta hu, maan liye supplier hai, recipient hai, aur ye ek party aur hai jo ye maan liye recipient 1 hai, ye supplier 2 hai। इन दोनों बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इस 2 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ही सप्लाइड सर्टेन गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट सेल। तो ये सप्लायर और ये इन दोनों के बीच में ये रिसिपिएंट बन गया, ठीक है। अब इसको कितना रुपया देना है, इसको कितना रुपया देना है, इसको 2 लाख देना है। इस सप्लायर ने इस रिसिपिएंट को कहा कि मेरे बिहाफ पे यू पे हिम 50,000, करेक्ट है? ठीक। तो इसको 50,000 मिल गया, किससे मिला? अरवन से मिला जी, और 150 इसको मिल गया, ठीक बात है। अब इसको, अब इसके बारे में सोचिए, क्या इसको पूरे 2 लाख रुपए पे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। इस कंडीशंस को एज पर रूल 37 सेटिस्फाइड कर रहा है? हेलो, इस रिसिपिएंट के बारे में सोचिए। अब आप जो ये रिसिपिएंट बन गया, इसको 50,000 देना था, लेकिन ये 50,000 इसके थ्रू आया इसको, तो इसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सर बिल्कुल मिलेगा। अब यहां पर, अब आप सोच के देखिए, यहां पर ये वाला कंडीशन प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, सेक्शन 16 का प्रोविजो एप्लीकेबल हो रहा है कि दिस पेमेंट इज नॉट मेड बाय सप्लायर टू हिम, दिस रिसिपिएंट इज नॉट मेकिंग पेमेंट टू दिस सप्लायर बट ही इज रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम समवन एल्स। हेलो, कहानी आ रही है समझ में आपको? तो ये चीज तो बिजनेस में आमतौर पर चलता है। गवर्नमेंट ने, व्हाई द गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड दिस कि मेड टू द सप्लायर, वो लिख सकते थे ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। सर मैं एक फिर से मैं बोलना चाहूंगा। हाँ, मान लीजिए 3 सप्लायर है, नो ए सप्लायर है, उसका इनवॉइस 1 जनवरी 2023 का है। एक मिनट रुक जाइए, मुझे अब लिखने दीजिए, और मैं चाह रहा हूँ बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। राजेश जी आए? राजेश जी तो आज जाने वाले थे ना। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है।
प्लीज दोज हु आर न्यू पार्टिसिपेंट प्लीज पार्टिसिपेट. यस जिनेश जी टेल मी. मान लीजिए बुक्स में तीन सप्लायर है, क्रेडिटर्स हमारे बुक्स में. ये सप्लायर है उसका इनवॉइस 1 जनवरी 2023 का है. अच्छा. दूसरा जो सप्लायर है उसका इनवॉइस 31 अगस्त का है. 2023 हाँ, 2022 का सर, 2022 का. अच्छा. और तीसरा जो है 30 नवंबर का है. अब जो 31 अगस्त वाला जो उसका 180 दिन का पुराना है. हाँ ठीक है ना. और क्या किया है कि पेमेंट जो है जो 1/1/2023 वाला का इनवॉइस था उसका पेमेंट हो चुका है. लेस देन 180 डेज है. अच्छा. और 30 नवंबर 2022 वाला लेस देन 180 डेज है. ये वाला नहीं, नीचे वाला 30 नवंबर. हाँ. एज ऑन 31 मार्च 2023 को. हाँ. हमने पेमेंट ए और सी को कर दिया है, एक जनवरी वाले का और नवंबर वाले का. अच्छा. और इसका वायलेशन हो चुका है 180 डेज वाला रूल 37 का. तो इसको एकोमोडेट करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि हमने इसका बिहाफ का पेमेंट इसको कर दिया है. अच्छा अच्छा. मतलब ये उसको खड़ा रखेंगे. हाँ, उसको खड़ा रखेंगे. तो ये कैसे हो, तो चेक से पेमेंट होगा, बैंक से पेमेंट होगा, ये कैसे पॉसिबल है सर? वो तो एडजस्टमेंट दिखाएंगे बुक्स में, एंट्रीज बुक्स में दिखलाएंगे एडजस्टमेंट. तो खैर नहीं 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 दिमाग में मुझे ऐसा लग रहा है. अरे श्री रामचंद्र जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट बिफोर द अदर सर हैज सेड थ्रू द बुक एंट्री यू कैन पास एन एंट्री एंड जस्ट टू नलिफाई दिस 182 डेज इफेक्ट. So that specifically made that to the supplier, you have to pay to the supplier. Otherwise, what will happen is one person, if it exceeds 180 days, then you can make a book entry and nullify that effect. I can show in the books that it's already been paid. Okay. So that is the reason why they specifically made paid to the supplier, meaning thereby you have to pay to the specific supplier concerned. Actual payment has to be made. Otherwise, what will happen is if 180 days is crossed, then you can make show a payment through a book entry and then you can pull it to the other account and other account and you can nullify this 180 days effect. Okay, matlab the view, what is the view is coming that because of the threat of manipulation or there were manipulation, therefore they have added this. Aisa abhi dimag mein hai sir ki to the supplier check kyun kar diya gaya bas. Acha. We can nullify. ऑडिट में पता नहीं लगता. ऑडिट में तो पता लगेगा जब और इन्वेस्टिगेशन करेगा तभी रहेगा ये चीज. मेकिंग दैट क्लियर. क्या चीज? हां थोड़ा सा ये टफ भी होगा. और अकाउंट अगर पूरे सालों भर सप्लाई होता है, सालों भर पेमेंट करते हैं हम, कौन सा पेमेंट का ड्यू रहा, क्या रहा, नहीं रहा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा हमको लगता है चीजें. अब एक सप्लायर से हम 50 माल लेते हैं, 40 बार पेमेंट करते हैं. ठीक बात है. तो कौन सा पेमेंट दिए हैं, किसके अगेंस्ट में दिए, ये थोड़ी लिखते हैं कि इस सप्लाई के अगेंस्ट में ये पेमेंट है. तो ऑन अकाउंट होता है सारा चीज. पता नहीं मुझे अजीब सा पेमेंट लग रहा है. तो फीफो देना पड़ेगा. फीफो में रूल है. हां मतलब कोई ना कोई मेथड होगा लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा चीज. कोई टफ नहीं है फीफो. अच्छा. और एक इनपुट ले लेता अरूप जी. अनम्यूट करेंगे आप? देखते अरूप जी हैं तो उनका भी इनपुट. और कोई इनपुट देना चाह रहा हो? सर मेरा इसमें पूछना. हाँ संजय जी बोलिए. सर जो बात आ रही है कि यदि किसी सप्लायर के बिहाफ पर यदि वो किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कराता है तो वो तो मेरी क्रेडिटर लिस्ट में नहीं होगा ना, तो वो पेमेंट तो सप्लायर का ही माना जाएगा ना. ठीक है सर. बुक्स में एंट्री जो होती है ना. नहीं नहीं वो तो ठीक है. तो फिर ये माना तो सर. अच्छा अच्छा. एक मिनट संजय जी क्या कह रहे हैं देखिए आप समझिए. अगर संजय जी का पॉइंट मैं समझूं कि इवन इफ आई एम मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर टू समवन एल्स देन आल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज पेमेंट मेड टू सप्लायर. व्हाई वी आर मतलब इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन कीजिए बेसिकली. सर ये नहीं होगा. इनकम टैक्स में भी सिमिलर प्रोविजन है 269 एसएस में लोन. अच्छा. के मामले में लोन के मामले यहां पर क्या है कि ये आईटीसी का मामला है ना सर. वो नहीं देगा, वो सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए वो लोग
सप्लायर को। तो सर सप्लायर के बिहाफ पे ही तो मैंने पेमेंट, सर ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लायर ही तो मैंने थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है, वो मेरा डायरेक्ट नहीं, नहीं, वो आप तो सप्लायर को ही पेमेंट कीजिए, इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा इस। सर मेरे हिसाब से तो ये माना जाएगा कि वो सप्लायर को ही पेमेंट किया गया है। नहीं, सिमिलर प्रोविजन इनकम टैक्स में 269 एसएस में भी है। हाँ, आपको पेमेंट लोन पार्टी को ही करना पड़ेगा, थर्ड वन को नहीं चलेगा। अब देखिए हम लोग अब कंक्लूड करते हैं, इफ यू मेक ए कंजर्वेटिव व्यू देन पेमेंट शुड बी मेड डायरेक्टली टू द सप्लायर। इफ यू टेक ए लिबरल व्यू, इफ यू आर मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर टू समवन एल्स, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में कि आप उनको पेमेंट कर दीजिए, then also it will be treated as payment made to the supplier. ये view है conservative and correct liberal. तो इसके आगे और नहीं जा सकते, ठीक है, litigation आएगा। हाँ, अब आता है explanation to section 17 subsection 3। अब इसको समझते हैं क्या ये rule 42-43 में क्या कहता है। if you have a common credit then the credit will be apportioned between the turnover of exempt supply and turnover of taxable supply. Exempt supply ka jo turnover ka jo credit apportionment hua hai, maan lijiye exempt supply ka turnover hai 10, iska hai 90, to kitna ho gaya 10% and 90% ka ratio. Common credit hai maan lijiye 500, to pura kya 500 credit milega aapko? नहीं, कॉमन क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, एक एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई उसका तो 100% क्रेडिट मिलेगा, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जम्प्ट सप्लाई उसका एक क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कॉमन क्रेडिट है तो अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। तो 3B में आप क्या करेंगे, 500 पूरा अवेल करेंगे और परमानेंट रिवर्सल में कितना लिखेंगे, 10% of 500, 50 rupees लिखेंगे और आपको नेट क्रेडिट जो अवेलेबल होगा वो 450 होगा, ठीक बात है? Yes. Exempt supply का जो definition है वो किस सेक्शन में, exempt supply का definition किताब में क्या बताएंगे, exempt supply का definition section 2 subsection 47 है if I'm not wrong. Yes, exempt supply का जो definition है वो section 2 subsection 47 में, और ये कहता है व्हाट इज एग्जम्प्ट सप्लाई, जिस पे टैक्स जीरो है और या फिर नॉन लेवाई सप्लाई यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक बात है? लेकिन 17 सबसेक्शन 3 और रूल 42-43 के लिए एग्जम्प्ट सप्लाई में इनको अलावा प्लस कुछ और भी चीजें जोड़ी गई। क्या क्या जोड़ी गई, बोला सप्लायर रिसिपियंट ये कोई आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है बट दिस आउटवर्ड सप्लाई इज इन रिवर्स चार्ज, तो क्या सप्लायर ने टैक्स दिया? हेलो, कौन देगा टैक्स? रिसिपियंट देगा ना, तो इसको भी एग्जम्प्ट सप्लाई में ले लेंगे, ये भी ऐड हो जाएगा प्लस। ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, बताइए एग्जम्प्ट सप्लाई है या नो सप्लाई है? नो सप्लाई, नो सप्लाई है, तो नो सप्लाई तो एग्जाम सप्लाई में आता नहीं है, लेकिन इसको भी यहां पर प्लस कर दिया गया, और कितना, 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, ओनली 1%। जिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है क्या वो एग्जाम सप्लाई है या नो सप्लाई है? नो सप्लाई, नो सप्लाई है तो नहीं आना चाहिए, लेकिन इसको भी जोड़ लिया गया, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग प्लस, कितना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, 100% करेक्ट है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बेच रहे हैं आप, तो क्या ये एग्जम्प्ट सप्लाई है या टैक्सेबल सप्लाई है? टैक्सेबल सप्लाई, वो तो यहां आएगा, करेक्ट है या नहीं है? अब मुझे एक बात बताइए, ये सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग किस शेड्यूल में है, नो सप्लाई का किस शेड्यूल में है, शेड्यूल 3 में? शेड्यूल 3 में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, 8 चीजें हैं करीब करीब, लेकिन उस 8 में से सिर्फ इसको एग्जाम सप्लाई माना गया है, बाकियों को एग्जाम सप्लाई नहीं माना गया, ठीक बात है? इसी में इन्होंने चेंज किया कि हम एग्जाम सप्लाई में और भी चीजें मानेंगे, क्या मानेंगे देखिए,
explanation for the purpose of Section 17, subsection 3, the expression value of exempt supply shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule 3. So, Schedule 3 mein jitne bhi transaction hai, usko hum exempt supply nahi manenge except kaun sa? paragraph 5 of the said schedule. Wo aaj bhi hai. To, unhone kya kiya? Ye except, ye pehle bhi tha, aaj bhi hai. Paragraph 5 of the said schedule mein kya tha? Building or land. उन्होंने और एक चीज ऐड कर दिया क्या द वैल्यू ऑफ सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लॉज ए ऑफ पैराग्राफ 8 ऑफ द शेड्यूल यानी कि बॉन्डेड वेयरहाउस सेल कौन सा सेल बॉन्डेड वेयरहाउस सेल यहां मैं लिख देता हूं मैं ये पहले बॉन्डेड वेयरहाउस सप्लाई समझा देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं अरे क्या होता बॉन्डेड वेयरहाउस मान लीजिए आपने दुबई से कोई सामान लेके आए और इसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाना था आपने कस्टम वेयरहाउस में इसको रखवा दिया ठीक है किसने इंपोर्ट किया था मान लीजिए ए ने इंपोर्ट किया था जैसे ही ये सामान कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में चला गया तो क्या आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी यस सर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी सर नहीं देनी पड़ेगी जब तक आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाते तब तक नहीं देनी तभी देना पड़ेगा ठीक है अब ये कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में पड़ा हुआ अब ये बी आता है बोलता है सर मुझे ये सामान चाहिए तो ए ने बी को बेच दिया अब क्लियर कौन करवाएगा बी बी अब ए से बी में जो बिका है क्या इट विल इट इज ट्रीटेड अ सप्लाई और नो सप्लाई क्या कहेंगे टैक्सेबल सप्लाई एग्जम सप्लाई या नो सप्लाई तो इसी नो सप्लाई को फॉर द पर्पस ऑफ 17 सबसेक्शन 3 फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42-43 इट विल बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई मानेंगे तो क्या होगा क्रेडिट का रिवर्सल ज्यादा हो जाएगा तो ये एक हमने बनाया लैंड एंड बिल्डिंग हुज कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड वेदर पार्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई यस और नो यस वेदर पार्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42-43 ये लिख देता हूं ठीक है यस Land and building whose construction has not been completed. No. No, ये तो taxable supply है. Yes, taxable supply. Services है. Supply of service. Yes. Supply of goods from bonded custom warehouse. Yes. Yes. Other schedule 3 supply other than paragraph 5 and 8A. No. No. Transaction in securities. Yes. Yes, 1% of value of transaction. किसी का कोई इनपुट सुमित जी वीडियो बंद कर लीजिए अभी हाँ एनीवन ठीक है ये मतलब होना भी चाहिए था अब ये ब्लॉक क्रेडिट दोनों ऐड किया बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको मैं अपने पढ़ा तो फिर मैंने रिसर्च भी बहुत किया Corporate social responsibility, CSR expenses, referred to in section 135 of the Companies Act. देखिए क्या कहानी है इसकी. मान लीजिए Reliance Industries Limited का profit है 1,000 crore. उसका CSR expenses कितना करना पड़ेगा? 2%. 2% of 1,000 crore यानी कितना? 20 crores. अब ये करेगा कैसे? को परचेस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज देखिए कैसे कैसे होगा या तो ये एटीजी में जो भी डोनेशन प्रिस्क्राइब्ड है वहां डोनेट कर देंगे बराबर या किसी एनजीओ को दे देंगे या फिर दे विल परचेज गुड्स और सर्विसेज एंड डू सम सोशल वर्क इन सम विलेज सिटी किसी के लिए ठीक बात है
अब मैं आपको एकदम पीछे ले के चलता हूँ, आप लोग इनकम टैक्स ज्ञाता भी आप लोगों को पता भी होगा, एकदम शुरुआत में पता है सीएसआर एक्सपेंसेस इज अलाउड एज डिडक्शन एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस, यस और नो? यस है सर, अलाउड नहीं है? अमेंडमेंट आया हुआ है, अमेंडमेंट आया हुआ है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड है, लेकिन अमेंडमेंट तो अब मुझे लगता है एक साल पहले आया होगा, उससे पहले अलाउड था ये। तो मैंने एक एनजीओ से बात किया, मतलब फिर मैंने उसको फोन किया, भैया मुझे समझाओ इसको, तो उसने मुझे पूरा समझाया, पर वही चीज जो उसने समझाया क्योंकि प्रैक्टिकल था वो, तो इसने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड किसी एनजीओ को डोनेट किया और कहा दिस इज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसका एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस क्लेम कर लिया और इससे 80G का सर्टिफिकेट भी ले लिया और डिडक्शन भी क्लेम कर लिया। बताइए डबल बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? यस सर, गवर्नमेंट को ये रोकना था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये बिजनेस एक्सपेंसेस तो नहीं मानेंगे, तो इट इज नॉट अलाउड। अब क्या करेंगे ये, अब क्या करते हैं? अब तो सर डोनेशन देंगे उसका डिडक्शन क्लेम करेंगे एटीजी में। पहले दोनों बेनिफिट क्लेम करते थे, अब बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज बिजनेस एक्सपेंसेस, बट अब एटीजी का डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। ठीक बात है? यस यस यस। अब आइए, अगर वो गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं तो देखिए क्या हुआ, मान लीजिए 20 करोड़ उनको खर्च करना है, अब उन्होंने 18 करोड़ का गुड सर्विस लिया, उसमें 2 करोड़ का टैक्स है, टैक्स है, लेते थे बेनिफिट, जीएसटी है, बराबर, और ये इसका क्रेडिट क्लेम कर लेते थे। हाँ। तो बोलते हैं वॉल्यूशन है भैया कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपको 20 करोड़ खर्च करना था, आपने जब इसका क्रेडिट क्लेम कर लिया तो आपने बेसिकली 18 करोड़ ही खर्च किया है। आ रहा समझ में आपको? यस। दूसरा ये क्या करते थे, मान लीजिए क्रेडिट क्लेम नहीं करते थे, गुड्स को अपने यहाँ एसेट दिखलाते थे, यूज तो ये नहीं करते थे एसेट्स को, एसेट्स को तो किसी को देते थे एनजीओ, क्योंकि मान लीजिए लैपटॉप खरीद लिया किसी ने, सोलर पैनल खरीद लिया, वो तो किसी कहीं जगह लगा दिया, और इसका डेप्रिसिएशन, बीइंग द ओनर ऑफ द एसेट दे यूज टू क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन दिस। हेलो, समझ में आ रहा है? तो जो उसने बताया वो लोग करते थे, हो सकता है रिलायंस नहीं करते हो, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है वो लोग तो कर ही रहे थे। तो अब इन्होंने क्या कहा कि बोला ऐसा है कि ये क्रेडिट तो ब्लॉक करो। तो जैसे ये क्रेडिट ब्लॉक हुआ, 20 करोड़ आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा, इसके ऊपर वो डिप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है। ये तो इनकम टैक्स का मामला है ना, क्रेडिट क्लेम कर लेते तो क्रेडिट, सॉरी डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं तो क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन अब तो क्रेडिट ही ब्लॉक है, अभी नहीं कर सकते डिप्रिसिएशन क्लेम, नहीं कर सकते 20 करोड़ पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते या नहीं कर सकते, ये इनकम टैक्स का मामला है। हां, नहीं नहीं बोलो, दे टू स्पेंड इट सर, दे टू स्पेंड इट सर। डिप्रिसिएशन तो फिक्स्ड एसेट पे लिया जाता है, यहाँ पे उनको एक्सपेंडिचर करना है, वो कंपलसरी है सर। नहीं नहीं, आप बोले सोलर पैनल और लैपटॉप खरीद रहा हूं, इज इट नॉट अ फिक्स्ड एसेट्स? लेकिन सर सोलर पैनल लैपटॉप आपको डोनेट करना पड़ेगा, एसेट नहीं है ना वो उनका, आपके बुक्स में तो आएगा ही नहीं सर, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपको तो 2% वहां पे स्पेंड करना है सर, वो कंपलसरी है। करेक्ट, यू कैनॉट पार्क इन द बैलेंस शीट। देखिए उसके लिए अब सीएसआर के जो कंपनीज एक्ट में पढ़ना पड़ेगा, करती क्या थी कंपनी, ये कहती थी कि हम यूज करने दे रहे हैं 135। अच्छा, ओके ओके, हम यूज करने दे रहे हैं आपको, हम एक साल ये यूज करने देंगे, उसके बाद हम अपने पास ले आएंगे, फिर हम किसी और को देंगे। ओके, यू आर नॉट डूइंग परमानेंट ट्रांसफर, डोनेशन कंपलसरी नहीं है। हाँ, डोनेशन कंपलसरी नहीं है, करेक्ट, खर्चा करना है। मान लीजिए मैंने एम्बुलेंस खरीद लिया, बताइए एम्बुलेंस में किसको डोनेट करूंगा, मैं खुद चला रहा हूँ। अरे बाप रे, जो उसने बताया वही बता रहा हूं मैं आपको। तब क्या करेंगे आप? चलिए, मान लीजिए गांव में रोड बनाना शुरू कर दिया, मैंने क्रेन खरीद लिया, गांव में रोड बना लिया, क्रेन तो मेरा ही है,
यहाँ रोड बन गया या रोलर कुछ भी जो इसको सामान खरीदना है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, अब क्या करेंगे आप? क्या वो एसेट आपका नहीं है? अब पढ़िए पोजीशन, हाँ तब ये इसका नोटिस आएगा तब कहानी में मजा आएगा, तब उसको और एनालिसिस हम लोग करेंगे फिर। तो इसलिए अभी से इसको ठीक से एनालिसिस कर ले। गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन यानी रजिस्टर्ड पर्सन व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू हिज ऑब्लिगेशंस अंडर सीएसआर। ऑब्लिगेशन का मतलब कंपलसरी मैंडेटरी, बाउंड कितना है मैंडेटरी? ऑब्लिगेशन अंडर कंपनी एक्ट 2% है, 2% है ना। मैं 3% करता हूं, आप बताइए बाकी 1% का मुझे क्रेडिट दे देंगे आप? हाँ, हेलो, समझ में आया मैं क्या बोलना? यस यस सर, यस सर। ओवर एंड अबव द ऑब्लिगेशन, क्योंकि वर्ड ऑब्लिगेशन लिख रहे हैं वो ऑब्लिगेशन नहीं लिखते। रिलेटिंग टू हिज ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये लिखा होता है। करेक्ट करेक्ट, बढ़िया इंटरप्रिटेशन, परफेक्ट। तो ये चीज अब जब नोटिस आएगा और दिमाग लगाया जाएगा तब समझ में आएगा आखिर करना क्या चाहिए। अब इन्होंने जो मेमोरेंडम एक्सप्लेन किया है ये तो 73 का एक्सप्लेन कर दिया, ये किया है जो नया सबसेक्शन ऐड किया है भाई। मतलब मैंने आप बताया ना इनकम टैक्स का में वाकई में एक्सप्लेनेशन होता है मेमोरेंडम में, जीएसटी में अंग्रेजी को दोबारा लिख देते हैं वो बस। सर इसमें एक चीज है सर, अभी जो लिटिगेशन ऑलरेडी चल रहा है उसका क्या होगा, क्योंकि इसका नोटिफाई तो इसका होगा 1 अप्रैल से। हाँ ये एक अच्छा है, देखिए ये अभी नोटिफाई मान लीजिए होता है ये वाला नोटिफिकेशन, ये तो अच्छा है, थैंक यू। मान लीजिए नोटिफिकेशन होता है इफेक्टिव एक क्या चल रहा है फरवरी मार्च अप्रैल मार्च मार्च अप्रैल में, अप्रैल में नोटिफाई हो जाता है मान लीजिए 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 से पहले का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा बताइए? मिलना चाहिए सर। नहीं मिलेगा सर। अब देखिए अगेन आप वो सब समझिए क्या है, 18 crore + 2 crore = 20 crore, 2 crore का आपने क्रेडिट क्लेम कर लिया तो आपने कहां खर्चा किया? वो एक एंगल है। हाँ ये सब फैक्ट्स को देखना पड़ेगा, फिर आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो ये सब फैक्ट्स को एनालाइज करके पता लगाना पड़ेगा कि क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मिल गया वो तो मिल गया, उसको कहां यूज करेंगे? नहीं नहीं, क्योंकि उसका भी नोटिस आ गया ना। हाँ, जो हम लोगों ने अवेल किया उसका भी नोटिस आया। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी रिवर्सल करवाएंगे। यस, तो ये अमेंडमेंट आया है तो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। ऐसा भी है, बट सर ये 2% यदि 20 लाख होता है, 2 करोड़ होता और हमने 2 करोड़ 20 लाख किया। हाँ, एक्सक्लूसिव संजय जी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि दीस थिंग्स विल बी एनालाइज ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। जो पुराने केसेस हैं विल बी एनालाइज ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केसेस जो अभी हमने बताया आपको। तो फैक्ट्स हर एक केस में अलग अलग होगा। अब नोटिस में वो ऑफिसर कौन सा ग्राउंड उठा रहा है, किस ग्राउंड पर वो रिवर्स कर रहा है, वो मान लीजिए वो कहता है कि पूरा खर्चा नहीं हुआ उस ग्राउंड पर रिवर्स कर रहा तो उसके अकॉर्डिंग जवाब होगा। ठीक है अरूप जी, कोई एग्जैक्ट लैंग्वेज आप कैन यू शेयर द सर? उनका कहना है सर दिस इज नॉट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दिस इज नॉट इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यस ठीक है, अब देखिए ग्राउंड चेंज हो गया ना। Now, मतलब if you are able to satisfy the officer that this is in the furtherance of business, then it will be allowed. Yes. अब let us see. Yes, sir. हाँ, तो इसी को analysis करते हैं then. Whether CSR expenses is in furtherance of business or not. But अब बताइए CSR expenses करने से कंपनी का reputation बढ़ता है या नहीं बढ़ता? Goodwill बढ़ता है या नहीं बढ़ता? Reason ये था कि जो mandatory expenditure करना as per the law. हाँ, it is related to business. Mandatory for doing the business. Business एक तरीके से business करने के लिए mandatory ऐसी आधार करना है। हाँ, इस पर देख। हाँ, मेरा non-compliance हो जा रहा है। अगर मैं नहीं करता हूँ तो। अच्छा। So that's why we treated it as a for business. That is for the business. That is related for the business.
तो फिर मैं दूसरा पॉइंट बोलूंगा इनकम टैक्स में डिसअलाउ क्यों किया गया, तो एक्ट ने उसने डिसअलाउ किया क्यों किया गया, बिजनेस एक्सपेंसेस क्यों नहीं माना गया, तो उसी के बाद से एक्चुअली नोटिस आना शुरू हुआ सर इनकम टैक्स डिसअलाउ करने के बाद। अच्छा उसी के बाद से आना शुरू हुआ, ओके ओके। हाँ ये लिटिगेशन चल रहा था अभी चालू हुआ तो इन्होंने ऐसा कर दिया। हाँ तो आपको रेपुटेशन और गुडविल के साथ रिलेट करना पड़ेगा, बोला और इनकम टैक्स और जीएसटी आज टू डिफरेंट लॉज है, उसको अलग अलग करके दिखलाना पड़ेगा। और खैर लेकिन वो नोटिस में लिख तो नहीं रहा ना कि इनकम टैक्स का पॉइंट तो उठा ही नहीं रहा है वो बेसिकली। नहीं नहीं वो तो नहीं, नहीं सर नहीं। तो भाई वी विल गो टू इनकम टैक्स, वो जब उठाएगा देन विल गो। आई थिंक रेपुटेशन गुडविल ऑफ द बिजनेस, और हमने जब जहां पर जहां सीएसआर एक्सपेंसेस करते हैं, मान लीजिए लैपटॉप खरीदा, सोलर पैनल खरीदा, वहां पर हमने अपना नाम लिखा है, वहां पर अपना बैनर लगाया, व्हाई इट इज नॉट फॉर द फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। फैक्ट से ही आपको देखना पड़ेगा अरूप जी। यस आइए सेक्शन 23। नाउ दिस सेक्शन 23 इज वेरी इंटरेस्टिंग। चैट में क्या लिखा सुभाष कमाटे, हेलो, ठीक है, कुछ कहना चाहता तो कहिए, कुछ ऐड करना चाहते हैं सुभाष जी? ओके हमने एक किताब में, मैं पहले किताब निकालता हूं, सेक्शन 23 किस पेज में है, 125, 126 ये 125, 126 ये हमने लेकिन किया था, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं। देखिए 22, 23, 24 में थ्रेशोल्ड है, 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, मतलब इवन इफ रूपी वन जैसे रिवर्स चार्ज, ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर सपोज्ड हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, और 23 में इसके दो पार्ट थे, वन और टू। वन में क्या लिखा हुआ था प्लीज बताइए, वन में क्या लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन रिवर्स चार्ज का भी आया हुआ है कि अगर मैं आउटवर्ड सप्लाई करता हूँ और टू में बहुत सॉरी वन के दो पार्ट ए बी और टू में नोटिफिकेशंस, ठीक बात है, और जो नोटिफिकेशंस आए हैं जैसे आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में, मान लीजिए जीटीए आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, 40 लाख का टर्नओवर इसी नोटिफिकेशन में था, हैंडीक्राफ्ट गुड्स जॉब वर्कर, ये जॉब वर्कर हैंडीक्राफ्ट गुड्स और ये आउटवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में, ठीक है, और ये जो ओरिजिनली था इसमें 23 में मैं वहां दिखाता हूं, इसमें ये पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, the following person shall not be liable to registration, namely A, B, the government may on their command, ठीक बात है, इन्होंने चेंज करके एक ये लाइन ऐड की, notwithstanding anything to the contrary containing subsection 1 of 22 or 24, ये जो लाइन ऐड की है ये पूरे A, 1, 2 और B के लिए है, yes or no? अब notwithstanding लिखने से हुआ क्या, और notwithstanding जब नहीं लिखा हुआ था तब क्या हुआ, अब ये नॉट विस्टैंडिंग लिखा तो क्या हुआ समझिएगा इस चीज को, मान लीजिए आई एम मेकिंग ओनली एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है 100% एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड आई हैव टेकन ए लीगल सर्विस
He is the supplier, I am the recipient. Bataiye, 23 applicable. I'm not required to get myself registered. 24 yes. applicable because it says that you are required to get yourself registered because you are falling in reverse charge. और 22 तो हटा ही देते हैं. अब मुझे बताइए मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा या नहीं लूंगा. प्लीज म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड आवाज आ रही है. ओल्ड लॉ के हिसाब से, ओल्ड लॉ के हिसाब से जहां पर नॉट विस्टैंडिंग नहीं लिखा हुआ था. यस सर, लेना पड़ेगा कंपल्सरी लेना पड़ेगा. यस, कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लेता हूं तो चार्जिंग सेक्शन फेल्स. यस सेक्शन 9 का चार्जिंग सेक्शन फेल कर जाएगा ना, 9(3) का. टैक्स कैसे मिलेगा बताइए आप. बिना रजिस्ट्रेशन लिए तो टैक्स मिल ही नहीं सकता. मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं. इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज 100% एग्जम्प्ट और इसने डायरेक्टर्स रखे हुए हैं. डायरेक्टर की सर्विस रिवर्स चार्ज में है या नहीं है? यस और नो? अब बताइए 23 एप्लीकेबल, 24 एप्लीकेबल. पुराने लॉ के हिसाब से मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था जी. अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लेता तो सेक्शन 9 का कंडीशन फेल कर जाएगा तो टैक्स कैसे वसूला जाएगा? yes. तो लेना पड़ेगा. अब जब ये लिखता है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट टू द कंट्रारी कंटेंट इन दिस और दिस, यानी कि 23 विल ओवरराइड 24. यस सर. अब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इवन इफ दिस चार्जिंग सेक्शन फेल्स. अब मुझे एक बात बताइए, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कम है तो प्रैक्टिकल एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी कम है, डायरेक्टर को फीस दे रही है, रिवर्स चार्ज में है तो डायरेक्टर तो रजिस्ट्रेशन करवाएगा या नहीं करवाएगा, सबसे पहले ये बताइए. अब 23 के बीच में ही कंट्रोवर्सी होगी, डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन करवाएगा या नहीं करवाएगा? नहीं करेगा सर. नहीं करेगा. क्यों नहीं करवाएगा? उसका थ्रेशोल्ड नहीं रहेगा. नहीं करेगा सर. थ्रेशोल्ड में तो है ही नहीं, लेकिन वो इस नोटिफिकेशन में आ रहा है आउटवर्ड सप्लाई जिसका रिवर्स चार्ज में, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा तो ये टैक्स देगा नहीं. ये टैक्स देगा, नया लॉ डिस्कस कर रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन करवाएगा नहीं, ये भी नहीं करवाएगा. क्यों? अब आ गए वन, क्योंकि यहां फॉल कर रहा है ये तो. ये बी के कारण, ये ए के कारण. तो इसके ऊपर जीएसटी कैसे मिलेगा सरकार को? चार्जिंग सेक्शन फेल्स. यस, ऐसा कैसा हो गया? देख लीजिए, हमने जो इंटरप्रिटेशन किया था जब ये नहीं था तो वो दिखलाता हूं आपको. हमने दिमाग में ये रखा था चार्जिंग सेक्शन कैन नेवर फेल, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चले थे. तो हमने ये कहा था कि 23 एप्लीकेबल, 24 एप्लीकेबल, ठीक है, पुराना लॉ. लेकिन अगर ये 24 एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द रिवर्स चार्ज तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, नॉट अदरवाइज. अगर 23 सबसेक्शन 2 में फॉल करता है, 23 सबसेक्शन 2 क्या था पुराने लॉ? नोटिफिकेशन. और 24 में जैसे जॉब वर्क इंटरस्टेट सप्लाई करता है, हैंडीक्राफ्ट इंटरस्टेट सप्लाई करता है, तो उस केस में नो दिया था हमने, ये इंटरप्रिटेशन दिया था. लेकिन अब जो लॉ आया है इन्होंने तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट डायरेक्टर लोगों से अब जीएसटी चाहती ही नहीं है. किसी का कोई ओपिनियन हो, इनपुट हो तो बताइए. ऑफिसर ब्लॉक द आईटीसी ड्यू टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 हाउ टू हैंडल. ओके सुभाष जी, दिस अभी तो हम लोग अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं.
इसमें किसी का इनपुट है तो बताइए प्लीज सर. एक्चुअली इनपुट ये है सर, एक्चुअली इंडस्ट्री से ये बार बार रिप्रेजेंटेशन जा रहा था ट्रेड बॉडी से. हाँ, कि मेरा पूरा सर्विस या जो भी है एग्जेम्प्ट है, बट सिर्फ ये आरसीएम के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है और सारा कंप्लायंसेस करना पड़ रहा है. हाँ, और कुछ कुछ केसेस में तो इनका ऑडिट भी हो रहा है. हाँ हाँ बिल्कुल, दैट इज आल्सो मोर सरप्राइजिंग. टर्न पूरा एग्जाम सप्लाई है उसके बाद, और फिर ऑडिट में जाके वो क्लासिफिकेशन इश्यूज उठा रहे हैं. तो ये मोर ऑफ मतलब फॉर ईज ऑफ बिजनेस किया गया मेरे हिसाब से. क्योंकि मतलब अदरवाइज रेवेन्यू तो उनका फॉरगोन है. अभी जो भी आरसीएम उनको मिल रहा था नहीं मिलेगा उनको, बट ईज ऑफ बिजनेस के, हाँ ईज ऑफ बिजनेस के तहत ये मतलब लाया गया दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट. ओके, हम लोग लास्ट दो साल से एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे थे इसके लिए. अच्छा, देयर इज दिस कॉन्फ्लिक्ट. ओके ओके, तो अब मतलब द गवर्नमेंट इज रेडी टू फॉरगो द रेवेन्यू. यस. ओके चलिए, जब 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स आएगी देन वी कैन डिस्कस. उसमें पढ़ना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या. क्या हो सकता है गवर्नमेंट को बाद में रियलाइज हो, बोला रे ये तो गवर्नमेंट रेवेन्यू चला गया हमारा. आइए सेक्शन 37. इसका देखिए जो 37, 39, ये तो बहुत आसान सा अमेंडमेंट है, इसमें कुछ खास बात नहीं है. लेकिन मैं जब मैंने इस अमेंडमेंट को पढ़ा तो हमने आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया व्हाई दे आर रिस्ट्रिक्टिंग इट. मान लीजिए ये दे आर बेसिकली सेइंग जीएसटी आर वन कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर 3 years आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स. सिमिलरली जीएसटी आर 3B, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर 9, 9A, 9B, 9C ये कुछ भी फाइल नहीं होगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स. ये अमेंडमेंट लेके क्यों आए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है. मैं आपको रीजन बताता हूं मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं. मान लीजिए जुलाई 2017 का जीएसटी आर वन है, जुलाई 2020 जा चुका है. आज के डेट में दे आर सेइंग यू कैन नॉट फाइल दिस रिटर्न ऑफ जुलाई 2017. और 17-18 का कोई भी जीएसटी आर वन या 3B अगर आपने फाइल नहीं किया तो आज के डेट में आप ये फाइल ही नहीं हो पाएगा. Now one thing more, even if I file it, मतलब supplier हूँ मैं, recipient हूँ, even if I filed it, will the recipient be eligible to claim the credit? No, because of the restriction under section 16 subsection 4. Secondly, there is a restriction under section 37. I cannot amend GSTR 1 after that 30th September or 30th November. आज मैंने जुलाई 2017 का या 17-18 का रिटर्न फाइल नहीं किया, आप मुझे फाइल नहीं करने दे रहे हैं, बट देयर इज अ लायबिलिटी व्हिच आई वांट टू पे, आई कैन पे थ्रू DRC 03. स्टिल आई कैन पे थ्रू DRC 03, यू कैन नॉट स्टॉप मी. तो कुछ लोगों का ओपिनियन था सर इसको स्टॉप कर दिया गया 3 साल बाद, तो अब वो डायरेक्ट सेक्शन 74 इशू कर सकता है. हम लोग 74 इशू करने से पहले मैं DRC 03 से मैं पेमेंट कर दूंगा, तो तब तो 74 इशू नहीं करेगा, तब तो 73 इशू करेगा. तो आप लोगों का ओपिनियन क्या है जरा, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दे हैव मेड दिस अमेंडमेंट. इनकम टैक्स में तो खैर समझ में भी आता है, लेकिन जीएसटी में व्हाई दे हैव मेड अमेंडमेंट. इसका एक जो व्यू है, एक व्यू है कि पीपल आर चैलेंजिंग सेक्शन 16.4 इन ऑलरेडी 8 हाई कोर्ट्स हैज बीन चैलेंज्ड, और इन व्यू ऑफ द रिट पिटीशन नोटिसेस हैव बीन गिवन टू सीबीआईसी एंड द स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट आल्सो. तो अभी कुछ कुछ सेक्टर्स में आशा कर रहे हैं कि 16.4 का शायद कुछ चेंज होगा, अमेंडमेंट होगा. वो अगर हो जाता है देन इवन इफ आई फाइल माई रिटर्न आफ्टर 3 years आप मैं फिर ITC अवेल कर सकता हूँ. बट द प्रॉब्लम इज कि वो IGST सेटलमेंट का जो इश्यू है क्या हो रहा था, मैंने गलती से इन मेनी प्लेसेस जहाँ पे प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट नहीं है, मैंने गलती से क्रेडिट ले लिया है आफ्टर 16.4, तो मुझे 2 साल के बाद वो इंटरेस्ट पेनल्टी सब भरना पड़ रहा है. तो उसमें भी एक चैलेंज है कि ठीक है आपको अगर 3 साल तक आपको टाइम मिलता है वहां पे आप देख लो क्या है नहीं है, और विद इन दैट टाइम अगर आप रिटर्न भरते हो तो ठीक है, उसके बाद जो है आप और आगे क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकते हो. जीएसटी 1 फाइल नहीं कर रहे तो आगे
सामने वाला नहीं बोल सकते कि उसने सप्लायर ने ऑलरेडी टैक्स पेमेंट कर दिया है, रेवेन्यू मिल गया आपको पैसा, उसने भले ही देरी से वन फाइल किया हो, भले ही देरी से थ्री बी फाइल किया है, हाँ, उसने तो थ्री बी में इंटरेस्ट देके पैसा दे दिया आपको, तो मेरा हाँ, क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। तो ये सारे जो इश्यूज है इसको ब्लॉक कर देंगे। एंड थर्ड लॉजिक इज फॉर कि शो कॉज नोटिस का जो टाइम है 3 साल का, मतलब विद इन 3 ईयर अगर नॉन सप्रेशन का ग्राउंड है तो उसमें भी ये क्या उनके लिए थोड़ा रश हो जाता है कि 3 साल के बाद दिया है तो अभी जल्दी से देखना पड़ेगा क्या रिटर्न फाइल किया क्या नहीं किया, तो शो कॉज करना पड़ेगा, तो वो भी एक इशू बनता है। तो दिस आर सम ऑफ द इश्यूज मतलब जो है। और सेकेंड वाला है कि हम मतलब कुछ कुछ तो मतलब चैम्बर्स ने भी रिप्रेजेंट किया था कि इसका स्तर फिर एक लिमिट कर दो आप, हम लोग जैसे आपने बताया सर राइटली कि हम लोग डीआरसी 03 से पैसा दे देंगे, बट अब रिटर्न फाइलिंग का मत रखो क्योंकि इतना लेट फीस देके रिटर्न फाइलिंग डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेट फीस मतलब नहीं मांगेंगे क्या? नहीं सर, हम बोल रहे कि अगर लेट फीस का शायद वो अभी क्या बोलेंगे वही एक इशू है, बट एटलीस्ट डीआरसी 03 में मेरा टैक्स और इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो हो जाएगा। तो लेट फीस तो तब ट्रिगर होती है जब फाइल होता है। हाँ, लेकिन नहीं फाइल किया, लेकिन आज मैं फाइल करना चाह रहा हूँ तो लेट फीस लेके फाइल क्यों नहीं करना है? या फिर ये कह रहे हैं कि भैया 3 साल तक है तो आपका लेट फीस यहीं तक रुक गया। लेट फीस की मैक्सिमम लेट फीस कितना है? लेट फीस 2000 नील में 2000 है उसमें। मैक्सिमम लिमिट ओपन होगी ना? 10,000 भी है, 10,000 भी है मैक्सिमम लिमिट, 10,000 है जिनका टैक्स बनता है। देखो मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकता है, 3 साल में मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर गया उसके बाद फाइल करेगा तो भी उतना ही देना पड़ेगा। हाँ, उतना ही देना पड़ेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेट फीस इज नॉट अ मैटर है ना, लेवाई ऑफ लेट मेन मैटर सर सेटलमेंट का सर। जैसे मुझे पता चल गया कि अभी ये फाइल नहीं करेंगे तो मैं कंफर्टेबली अपना जो भी टैक्स है उसको सेटल कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन एक मैं जो समराइज करूं, एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का तो बहुत वैलिड पॉइंट मुझे नजर आ रहा है सर। एक मिनट संजय जी, रिट पिटीशन फाइल हुआ, बाय चांस कोर्ट ये कहती है कि सेक्शन 16(4) सबके की लिमिट नहीं लगनी चाहिए। अब अगर नहीं लगनी चाहिए तो सप्लायर 4 साल बाद 5 साल बाद भी रिटर्न फाइल करके रिसिपिएंट को क्रेडिट दिलवा सकता है? हाँ सर। तो इसको रोक दिया, बोला भैया 3 साल से बाद फाइल ही नहीं कर सकते तो इस रिसिपिएंट को, तो दिस आई परफेक्टली अंडरस्टैंड कि ये फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अभी ब्लॉक कर दो। दूसरा मुझे बाकी लॉजिक जो था कि लेट फीस का तो समझ में आ गया, और रश वाला नहीं समझ में आया थोड़ा सा। अरूप जी, रश मान लीजिए 3 साल का 73 का पीरियड है और ये ड्यू डेट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव डेट्स है, ये कैसे हो रहा है अरूप जी प्लीज? ये नहीं समझ सर, मेरा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न चला गया 3 साल पहले। सपोज मैं अगर 17-18 का लेता हूँ तो 17-18 का मेरा 20 में चला गया ऑलरेडी, ठीक है ना? तो मेरा ड्यू डेट अभी सितंबर 23 है, तो मैं जाके क्या करता हूँ अक्टूबर 23 में जाके रिटर्न डालता हूँ। अच्छा, तो मुझे फिर वो उसको फिर ऑफिशियल कंपलसरी 74 में जाना पड़ेगा। ओके ओके, हाँ 9 से हाँ, जैसे मेरा कोई इंटरप्रिटेशन इशू है कि आई एम इंटरमीडिएटरी और एजेंट, हाँ, तो उसमें वो 74 में जाने से फिर हाई कोर्ट बोल रहा है कि इंटरप्रिटेशन इश्यूज में आप 74 में नहीं जा सकते हो। ठीक बात है, क्वेश्चन ऑफ लॉ में तो हाँ, क्वेश्चन ऑफ लॉ में तो जा ही नहीं सकता। हाँ, तो उसमें एक फिर क्या होगा वो 73 में फिर रश हो जाएगा, तो वही एक इशू है। चलिए ठीक है, हाँ संजय जी क्या बोल रहे हैं सर? मेरा इसमें थोड़ा सा ये मानना था कि जहां तक है सर, इसमें हो रहा था कि रिसिपेंट के लेवल पर हो रहा था, ज्यूरिडिक्शनल अफसर उसे रिवर्स करा के उसे टैक्स पे करा ले रहा था कि आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, और उधर सप्लायर उस पर टैक्स पे कर दे रहा था, उसका ज्यूरिडिक्शनल अफसर करा देता कि आपने इस पे नहीं किया 3B, तो एक ही ट्रांजेक्शन पे दो दो जगह हो रहा था। फिर से बोलिए, नहीं समझ में आया, मैं लिखता हूँ सर। सपोज रिसिपिएंट, हाँ
पार्टिसिपेंट के ज्यूरिडिक्शनल अफसर ने कहा कि आपने जो आईटीसी ली है 73 में ही नोटिस दिया, अच्छा अच्छा आपने अच्छा, जो सप्लाई दी उस पे आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है, इसे रिवर्स करवा दिया, यहाँ रिवर्स करा दिया, विद यहाँ से पे करवा दिया और इधर पे करा दिया। अच्छा, एक ही चीज पे दो दो जगह हो गया सर। ठीक ठीक, फिर अब इसके साथ रिलेट कीजिए। इस पे ये कंडीशन आती थी, फिर रिसिपेंट तब ये कहता कि सर आपने जो मुझसे रिवर्स कराया है मेरे सप्लायर ने पे कर दिया विद इंटरेस्ट, पे कर दिया विद लेट फीस जमा कर दिया। ठीक है, तो अब जो मेरा पोर्शन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मुझे आईटीसी अवेल कर देंगे, मगर जो मुझसे लेट फीस ली या वो दी वो सब कहां जाएगा था? तो यहां कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही थी, क्योंकि रिसिपेंट इस चीज पे चैलेंज कर सकता है ना सर, कि आप मुझसे करा रहे जिसको आपने पहले मुझसे ऑलरेडी करा लिया, उधर सप्लायर ने भी उसी उसी सप्लाई पर पेमेंट कर दिया। संजय जी, इसके साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं आप, नहीं समझ में आ रहा है, ये जो अमेंडमेंट आई है वो उसके साथ कैसे रिलेट हो रहा है? नहीं सर, इसमें मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि इसमें ये यदि चेक कर देंगे कि 3 साल के अंदर नहीं कर देंगे, तो मेरा जो असेसिंग अफसर है वो 3 साल बाद ही तो मुझे 73 में देगा नोटिस, 3 साल के अंदर जो 73 की लिमिट है सर। चलिए, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक, चलिए, और किसी का व्यू पॉइंट? जिनेश जी? नहीं सर। अमित जी? नहीं सर। श्रीराम जी? सीए सिराज रामचंद्रन जी? संतोष पाटिल जी? सर, अभी यहाँ पे 17-18 का अगर मैंने रिवर्स किया है तो अगर उसके बाद वो कभी भी अगर फाइल करते तो मैं वापस ले सकता हूँ ना, 3-4 साल बाद अगर उस सप्लायर ने अगर रिटर्न फाइल किए तो? आपने रिवर्स कर दिया तो फिर रिक्लेम कैसे करेंगे? रिक्लेम तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, रिक्लेम कर सकते हैं अगर उन्होंने बाद में पे किया तो, क्यों मुझे सितंबर तक मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो कभी भी फाइल करते हैं तो उसके बाद मैं अगर उन्होंने पे किया तो मैं वापस ले सकता हूँ? नहीं, आप कैसे लेते हैं जब वो तो उसी ग्राउंड पे आ गए ना अरूप जी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का वायलेशन ये? नहीं सर, ये रूल 37 ही सो जो नया लाया है सर, जो नया प्रोविजन लाया है रूल 37। अच्छा, जो रूल 37A लेके आया है नया? यस 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 यस, बहुत बढ़िया संतोष जी, थैंक यू। हाँ, रूल 37A में जो नया लेके आया है कि सप्लायर बाद में पेमेंट करेगा तो मैं क्लेम कर ही सकता हूँ। तो मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 रिसिपिएंट साइड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और सप्लायर साइड में 3 साल सेक्शन 37 रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ओके यस और सर, ये कि जब सर ये 37A का क्वेश्चन आया तो मेरे दिमाग में और एक चीज भी आया है। हाँ, अभी नया जो फॉर्म 3B का फॉर्मेट हुआ ना, हाँ, उसमें क्या हो रहा है, टेम्पररी रिवर्सल परमानेंट रिवर्सल का हम लोग दिखा रहे हैं। हाँ, तो कल जाके कोई भी क्लेम कर सकता है कि मैंने इसको रिवर्स कर दिया था अंडर 37 और अभी मैं फिर से क्लेम कर रहा हूँ, इवन इफ आई एम शोइंग इन परमानेंट। यस, गलती से शो कर दिया, पॉसिबल, गलती से शो कर, तो वो सब वो एक लॉजिक भी ले सकता है। बहुत बढ़िया, चलिए, यही फायदा है डिस्कशन का। जोशी जी, गैलेक्सी 16.4 विल नॉट अप्लाई फॉर रिक्लेम आईटीसी। जोशी जी, व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि अगर कोर्ट सेज दैट 16 सबसेक्शन 4 इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तब क्या-क्या पॉसिबिलिटी है? इन रूल 37A का जो ग्राउंड था दैट इज गुड ग्राउंड। तो रूल 37A में एक बार क्या था, एक बार रिक्लेम 180 डेज वाला था क्या? यस, 180 डेज वाला। नहीं, 180 डेज वाला नहीं, जब सप्लायर रिसिपिएंट इसको रिवर्स करवा रहा था। अब देखिए संजय जी की बात यहाँ समझ में आने लगी, जब संजय जी रूल 37 ही बोल देते तो काम हो जाता। रिसिपिएंट रिवर्स इसका रिवर्स करवा रहा था इसका ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर, और सप्लायर तो ये इसने पे नहीं किया तो ये रिवर्स करवा देगा, जब वो पे कर देगा तो रिक्लेम कर लेगा। ठीक है, परफेक्ट। जोशी जी, 180 डेज रूल 37 में है, रूल 37 में है
180 डेज और 37A जो नया है, अगर सप्लायर पे नहीं करता है उसका है। चलिए तो ये 44 ये सब वही है। ठीक है 54। अच्छा रिफंड क्लेम करने का जो प्रोसेस है, जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते थे जीरो रेटेड सप्लाई या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो ऑफिसर आपसे इनवॉइसेस की डिटेल मांगता था प्लस उसको 2A या 2B के साथ मैच करता था, ठीक बात है? यस। अगर 2A में आता था तभी क्रेडिट रिफंड अलाउ करता था या 2B में आता था तभी रिफंड अलाउ करता था, यस और नो? यस यस। क्या ऐसा कोई भी सिचुएशन आपने फेस किया जहां पर ऑफिसर ने कहा कि चलिए इनवॉइस है आपके पास 2A 2B में नहीं भी आ रहा है तो भी हम रिफंड अलाउ करेंगे? कोई भी सिचुएशन है ऐसा? नहीं नहीं सर। बट लॉ में लिखा हुआ था कि ऑफिसर को अलाउ करना चाहिए। अच्छा लिखा हुआ था ना, ये तो बाद में काटा, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनली एक्सेप्टेड। नहीं 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 लिखा हुआ, सॉरी सर, वहां भी तब भी एक्सक्लूड किया हुआ था, अब इसको हटा ही दिया। तो हटाया क्यों? 41 के कारण हटाया है ना, छोड़ी। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड में इन्होंने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड में कि अब पहले कंप्यूटेशन डिले का पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है ये सब नहीं पता था तो उन्होंने कहा कि ठीक है बियॉन्ड 60 डेज है तो हम प्रिस्क्राइब करेंगे, कोई रूल प्रिस्क्राइब करेंगे जहां पर ये कंप्यूटेशन होगा। साढ़े आठ हो गए हैं तो कंप्लीट तो हो नहीं पाया, कल इसी टाइम पर दोबारा मिले। यस जी सर जी, क्योंकि अगर जल्दीबाजी करेंगे तो डिटेल में डिस्कशन और होगा नहीं, नहीं। पूरा कंप्लीट ही करना है। हाँ ढंग से करेंगे तो समझ में आएगा कि ये अरेस्ट वाला जो पनिशमेंट वाला है इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है। यस कंपाउंडिंग में भी देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है। तो प्रोविजनल आईटीसी विल बी डिफरेंट। ओके सर, तो ये एक बार सबसे इंट्रोडक्शन हो जाए हमारा, तो वीडियो ऑन करके प्लीज अरूप जी इफ पॉसिबल, अविनाश जी, बक्सिटी जी, वृंदा जी, सी ए सिराज जी, कैन यू प्लीज पुट ऑन योर वीडियो, प्रीतम कुमार दास जी, আমাকে ভিডিও অন করতে বলছে কুকু, তুমি ওকে ওকে দাও, আমার সঙ্গে কিছু কথা বলবে। অরূপ জি ভিডিও অন কর পাঁগে, জোশী জি, মনীষ গুপ্তা জি, যে পহলি বার মিল রে, একবার বাতচিত হয়ে যায়। सर ये जो अपन कार्यक्रम करते हैं रोज, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिल पाएगी? ये YouTube में अपलोड करेंगे, नहीं तो आज के पहले जो भी है सब YouTube पर अपलोड है। हाँ हाँ, नहीं मतलब अभी कुछ अपलोड नहीं हुए थे लेकिन अब करेंगे हमारा वीडियो प्लेयर काम नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए पहले वन प्लस सेवन प्लीज। सर नमस्ते, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। You are a CA Ramchandra. Please, फिर से बताइए। Please introduce yourself. One plus seven. Please introduce yourself. So I am Sundarajan from Coimbatore, CTPR. Sundarajan from Coimbatore, and you are practicing
ओके प्रैक्टिसिंग जीएसटी सर एंड आपको कैसे पता लगा इस सेमिनार के बारे में अफिलिएट ग्रुप है ना सीटीपीआर अभी इसका पास करके अभी चार्टर्ड टैक्स प्रैक्टिशनर हुआ है अच्छा 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 ये वो ग्रुप में आया इसके हम ले लिए ओके ओके थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम कैसा रहा सेशन आज का आपका सर्विस नाइस योर क्लास वाज वेरी नाइस एंड दिस क्लास शुड बी गो लाइक दिस ओनली सो दैट ओनली वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एवरी सेक्शंस वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इजीली थैंक यू सो मच डेड इन मॉर्निंग वी डू दिस काइंड ऑफ सेशन एट 7 o'clock यस सर यस सर ओके तो ज्वाइन कीजिएगा जोशी जी नमस्ते हाँ बताइए अपने बारे में अनम्यूट कर लीजिए जोशी जी अपने आप को सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर गुड मॉर्निंग प्लीज गुड मॉर्निंग सर आई एम सीटीपीआर फ्रॉम कर्नाटका ओके प्रैक्टिसिंग इन गुलबर्गा सर गुलबर्गा प्रैक्टिसिंग इन गुलबर्गा माय नेम इज शेषगिरी जोशी Shetgiri Joshi. Okay. Since last 20 years, I'm practicing the same. Okay. Most welcome. How was the session today? Very good, sir. Very good. Very good. Depth analysis was there. It should be continued on. Okay. So daily morning at 7 o'clock, we do that. Yes, and, sir. And I will request everyone to WhatsApp. Hello. Just write a hello to us. Yes, sir. So that we can save your number. This is the yes, phone sir. Number which I have sent you. और कोई प्लीज आरूप जी एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं आप एस जी शेख किलेरी गुड मॉर्निंग कैन यू वीडियो ऑन कर सकते हैं आप नहीं नेटवर्क इशू है अच्छा अपने बारे में बता दीजिए एक बार मैं मेरा नाम है शिव कुमार जी शरीफ है हाँ हाँ गगन अच्छा का लोकल आवाज ठीक से नहीं आ रही है कोई बात लोकल ग्रुप में मैं देखा अच्छा अच्छा ओके ओके वंडरफुल सेशन ओके थैंक यू मैं कंटिन्यू होएंगे कल मॉर्निंग में 7 o'clock फिर से ये 09A3D532 सर प्लीज वंस अगेन कैन यू गिव द व्हाट्सएप नंबर सर चैट में भेजा है आपको ओके सर आई विल वेरीफाई ओके थैंक यू सर वेलकम सॉरी फॉर द इंटरप्ट सर सॉरी फॉर द इंटरप्ट सर थैंक यू क्या नाम है शिव कमल का नंबर कौशल कुमार अग्रवाल थैंक यू CSKK अग्रवाल और कौन वन प्लस सेवन प्लीज पांडुरंगन जी पाटिल प्रसाद रेड्डी हॉस्पेट प्लीज वीडियो ऑन करके अपने बारे में बता दीजिए ताकि हम लोग जान लें संभावी सिंह सुभाष कमाटे चलिए कोई बात नहीं कल मिलते हैं आप लोग सबसे और बाकी लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं आप इस सेशन में कल टुमारो 7 अगेन वील अगेन मीट सो थैंक यू सो मच बाय बाय थैंक यू सर थैंक यू